अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण था वो। हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था, और गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि 500 लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति में दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है, उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है।